Students, today we will discuss about the question of 7.4 exercise. There will be the question number 1, that is 3x square upon question number 1. Integrate 3x square upon x power 6 plus 1. This is the first question number 1. Now, this will return in form of first like that 3x square over x cube whole square plus 1, right? Let x power 3 equal t, जिसको लेट करोगे इसका डिफरेंशिएशन करोगे 3x square equal dt by dx, यहाँ से dx कैलकुलेट करोगे वो कितना आ जाएगा dt upon 3x square 1, this is 2, both of them place in the question. क्वेश्चन क्या हो गया 3x square upon t square plus 1 into dt over 3x square, ये कैंसिल हो गया और अब इंटीग्रेशन आ गया dt upon t square plus 1. इन द अर्लियर वीडियो यू जस्ट सी द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x square plus a square dx, तो फॉर्मूला लिखा था 1 upon a tan inverse x upon a plus c. According to the this integration 1, here we can assume 1 upon x square, this is the t square plus 1 dt, so the answer will be 1 upon a tan inverse t upon a, a कितना है 1 plus c. अब इसमें यहाँ t क्या लेट किया था वो आप सब्सटीट्यूट कर देंगे, t आपने लेट किया था x cube plus c, this is the आंसर. ए कितना है आपके पास 1, ए कितना है 1, तो लास्ट फाइनली आंसर क्या होगा tan इनवर्स x क्यूब प्लस c. गाइस क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने देखी है किस तरीके से आपको सॉल्व करना है. क्वेश्चन 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 2 में यहां जो दिया हुआ है दैट इज 1 अपॉन रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर, राइट. Now, in this question, first you will write the given question in the form of like that 1 plus 2x whole square dx, right? Let 2x equal kya let karoge? T kar lo, jisko let karoge, iska differentiation kar lo dt by dx, yahan se dx calculate kar lo, dx aa gaya dt by 2. ये क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट कर दो 1 अपॉन रूट 1 प्लस t स्क्वायर इनटू dx की जगह क्या गया dt by 2, तो 1 by 2 को बाहर निकाल दो. अब आपके पास ये फॉर्मूला था 1 by 2 log mod t plus root 1 plus t स्क्वायर plus c, ये हमने लास्ट आइडेंटिटी डिस्कस की हुई है. यहाँ t को सब्सटीट्यूट कर दो 2x 2x, ये आंसर आ गया 1 by 2 log magnitude 2x plus root 1 plus 4x square plus c. This is the answer of question number 2. Students, hope this question is going to understood very properly. Now come on this next question. तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना, लास्ट वीडियो में मैंने कंप्लीट स्क्वायरिंग बताई थी प्लस 6 आइडेंटिटीज आपको डिस्क्लोज की थी. उन 6 आइडेंटिटीज को आपको प्रॉपर्ली लर्न रखना है. आइडेंटिटी 1 थी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a. आइडेंटिटी 2 हमने डिस्कस की थी 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1 अपॉन 2 a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c. फिर आइडेंटिटी नंबर 3 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1 अपॉन 2 a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c. आइडेंटिटी नंबर 4 में लिखा था 1 अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इट मींस sin इनवर्स x अपॉन a प्लस c. आइडेंटिटी 4, इसी तरह रूट की दो आइडेंटिटी और थी, आपको हमेशा लर्न रखनी है और कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड को प्रॉपर्ली याद रखना है. अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 को जिस तरीके से दिया हुआ है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर देर आफ्टर प्लस 1, तो गाइस क्वेश्चन को देखने से क्लियर है कि ये कोई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट बनेगा. इट मीन्स 2 माइनस एक्स को क्या कर लो, टी लेट कर लो और जिसको लेट करोगे उसका डिफरेंशिएशन करोगे dt by dx आ गया. यहाँ से dx कैलकुलेट करोगे दैट इज इक्वलेंट टू द माइनस ऑफ dt. दोनों चीजें सब्सटीट्यूट करोगे, एक तो ये सब्सटीट्यूट करना है एक ये सब्सटीट्यूट करना है, तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन गया t स्क्वायर प्लस 1 इनटू माइनस dt, माइनस को आउटसाइड कर दे और इसको इस तरीके से लिख दे. और इसकी आइडेंटिटी आपको पता है क्या थी, माइनस log मैग्नीट्यूड t प्लस √t स्क्वायर प्लस 1, ये थी आइडेंटिटी. इस आइडेंटिटी को हमें फॉलो कर दें और टी को रिप्लेस कर देंगे 2 माइनस एक्स से दोनों जगह, तो आपके इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन प्रॉपर्ली आपको मिल जाएगा. माइनस आउटसाइड है ही है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस अकॉर्डिंग आपको 4 5 6 7 क्वेश्चन यू जस्ट सॉल्व अकॉर्डिंग टू द सेम पैटर्न. नाउ आई वुड लाइक टू गो ऑन द क्वेश्चन नंबर 7. 6 तक कोई आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं. 7 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है x - 1 / √ of x square - 1. ये क्वेश्चन 7 आपको दिया गया है. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सेपरेट कर देना है क्वेश्चन को. x / √ x square - 1 माइनस वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन. अब दोनों पे इंटीग्रेशन आप सेपरेट कर दें तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा. यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को डील ऐड कर लें क्योंकि जो अपसाइड लिखा हुआ है दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन. सो क्या आ गया, 2x इक्वल डी टी बाई डी एक्स. यहाँ से डी एक्स कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा डी टी बाई 2x. ये तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमने कर रहे हैं ये काम. सेकेंड पार्ट डायरेक्ट आइडेंटिटी है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो इसका तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला ही लगा देंगे. इस पार्ट के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिखेंगे, लॉग मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन. ये आपका फॉर्मूला डायरेक्ट है जिसका आपको आंसर लिखना है. इसको इस तरीके से सॉल्व करके यहाँ पर राइट करना है. देयर आफ्टर वी गो थ्रू विद द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो वहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स सिक्स प्लस ए सिक्स. एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स सिक्स प्लस ए सिक्स, राइट. दिस इज द क्वेश्चन. एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 8 इज रिटर्न सेम. इसमें हमें क्या करना है, इसको हमें अमेंड करना है, एक्स पावर 3 का होल स्क्वायर राइट करना है इसको. तो कई बार क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे तो किस तरीके से क्वेश्चन लिखा जाएगा, एक्स क्यूब होल स्क्वायर प्लस ए क्यूब होल स्क्वायर. कैन आई राइट दिस अगेन, वी नो दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर. हम लेट कर लेंगे कि एक्स क्यूब को क्या लेट कर लिया, टी लेट कर लिया और सिंप्लीफाइड करके डायरेक्ट फॉर्मूले बेसिस डी एक्स की वैल्यू प्लेस कर देंगे तो ये आपके पास इंटीग्रेशन में आ जाएगा 1 अपॉन रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला लॉग मॉडुलस टी प्लस रूट एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से आप इसको सॉल्व करेंगे. तो स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हैं इस एक्सरसाइज में, हमें कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड ही कम्प्लीटली लगता जा रहा है. अगर आप इस मेथड को प्रॉपरली ध्यान रखेंगे तो हर क्वेश्चन को आपको आइडेंटिटी ही इस तरह से बनानी है. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो वहाँ दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन रूट tan स्क्वायर x प्लस 4. क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम बात करें तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया वो ये दिया गया है कि आपको यहाँ दिया गया sec स्क्वायर x, नीचे दिया गया अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर x प्लस प्लस में गिवन है प्लस 4, राइट. तो अब आपको पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है. इट मींस इन दैट क्वेश्चन नंबर 9 वी विल लेट tan x इक्वल टू by that this will eliminate and this question is converted into the identity 1 upon root x square plus a square solved by the given identity. Now come on question number 10. जो 10 number का question है that is the based on complete squaring. जो earlier video में मैंने आपको बताया था कि question कुछ इस तरीके का है, देखो root x square plus 2x plus 2. ये question ये है. अब इस क्वेश्चन को हमें कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 1 अपॉन रूट मैंने कहा था, सबसे पहले आपको क्या लिखना है x, फिर x प्लस है तो प्लस x का कोफिशिएंट कितना है 2, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1, इसका करोगे होल स्क्वायर, इसके बाद अगर प्लस 2 है तो प्लस 2 राइट करो, माइनस लगाओगे इसका स्क्वायर करोगे मीनिंग 1. अब इसको दोबारा रीराइट करके लिख दोगे क्वेश्चन को, रूट एक्स प्लस वन होल स्क्वायर 2 माइनस 1 1 मीनिंग प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब आप इस क्वेश्चन में क्या करें, एक्स प्लस 1 को टी लेट कर लें और सिंप्लीफाइड करके सिंपल इंटीग्रेट कर दें. स्टूडेंट्स होप दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व बाय यू. एक्स प्लस 1 इक्वल टी. सो नाउ आप सबसे पहले देखें कि आपको इस क्वेश्चन को प्रॉपरली अब कंप्लीट स्क्वायरिंग लगाकर सॉल्व कर लेना है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 जहां पर आपके पास में थोड़ा सा कंप्लीट स्क्वायरिंग में चेंज है, 9x स्क्वायर जो 11 नंबर का क्वेश्चन है वो है 1 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5dx, लाइक दैट. ऐसा क्वेश्चन है, देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बनाना है 1 बनाने के लिए क्या करोगे, 9 का डिवीजन करोगे, 9 का मल्टीप्लाई करोगे, जो मल्टीप्लाई करोगे उसको बाहर लिख दोगे,
और 9 का डिवीजन कंप्लीट में कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 6 बाई 9 एक्स प्लस 5 बाई 9, राइट है। अब आपको क्या करना है, प्रोसीजर जो मैंने कंप्लीट स्क्वायरिंग में बताया था वही लगाना है आपको, लिखना है एक्स प्लस, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3 बाई 9 आ जाएगा, ब्रैकेट लगाओगे, स्क्वायर करोगे, आगे की चीज सेम राइट करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, स्क्वायर ऑफ दिस, इसका स्क्वायर कितना होगा 3 3 9 ओवर 81, इसको सिंप्लीफाइड कर दोगे और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई कर दोगे। अगर माइनस में आता है तो माइनस की आइडेंटिटी लगाना है, इसको एलसीएम ले लें आप यहाँ पे, तो 9 5 45 - 9 मीनिंग 36 ओवर 81 आएगा, जिसको लिखोगे 6 ओवर 9 होल स्क्वायर पॉजिटिव, तो यह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसकी आइडेंटिटी थी 1/8 tan inverse x/a। तो स्टूडेंट्स आगे आप अपने मेथड से जो आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया है अप्लाई करें और प्रॉपर सॉल्व करें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम देखें तो इन्होंने क्वेश्चन का अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं दिया हुआ है, तो फर्स्ट मेक द अरेंजमेंट इन ए प्रॉपर वे। 12th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, 7 - 6x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको पता है सबसे पहले अलाइनमेंट करना है, अरेंजमेंट करना है, मीनिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है, इस तरीके से इसको आप ऐसा लिख देते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों चीजें एक ही है। तो स्टूडेंट सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में वेरिएबल की डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज कर दिया, और अब क्या करना है इस माइनस को, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है माइनस है, तो माइनस से डिवीजन कर दें या माइनस कॉमन ले लें पूरे से, तो कॉमन लेते हैं किस तरह से कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन, लाइक दैट कन्वर्जन इज टू बी टेकिंग प्लेस, यस नाउ दिस माइनस मीनिंग माइनस टेकन आउटसाइड, और अब कंप्लीट स्क्वायरिंग का जो प्रोसेस आपको बताया गया है वो अप्लाई कर देंगे और इस तरीके से लिख के इसको सॉल्व कर देंगे, तो आपके पास अल्टीमेटली क्वेश्चन किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस हो 4 स्क्वायर, इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से ओपन करेंगे, जो आइडेंटिटी मैंने आपको पहले बता दी थी 1/2a log x - a / x + a से आप इसको ओपन करके इसका आंसर दे देंगे। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर अपने वो फैक्टर दे देता दो तो दोनों का प्रोडक्ट कर लेते, दैट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अकॉर्डिंगली वी विल अगेन अप्लाई द कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। तो अब आपसे ये होप की जाती है कि इस जो आपको क्वेश्चंस बताए गए इनको प्रॉपरली समझते हुए आगे आप एक्सरसाइज के रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है उन पर इस सिस्टम को अप्लाई करें, और इसमें अभी 2 मेथड्स पेंडिंग है जिनको मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में 7.5 के साथ कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न को यहाँ डिस्क्लोज करेंगे, और आपको 7.5 में कौन सी आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है कि अगर इस तरह का स्ट्रक्चर कोई क्वाड्रेटिक डाउनसाइड आती है, कोई फैक्टर्स का प्रोडक्ट डाउनसाइड आता है, तो सबसे पहले आपको उसको एक क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेना है, देयर आफ्टर अप्लाई द कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। बट अगर 2 डिफरेंट मेथड और भी हैं कि अगर डिनोमिनेटर में आपके पास जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से हायर डिग्री का अगर आ जाता है या इक्वल डिग्री का आ जाता है, जैसे अपसाइड एक्स स्क्वायर है नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले आपको लॉन्ग डिवीजन करना होता है, लॉन्ग डिवीजन करने के बाद उसको किस तरीके से लिखना होगा आपको, उसको लिखना होगा कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजन, इस फॉर्मेट में लिखना है। कब लिखना है, जबकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की क्या हो डिग्री सेम हो, पॉलीनोमियल की डिग्री क्या हो जाए सेम हो जाए, या फिर सेकेंड कंडीशन कहा न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो क्या हो ग्रेटर हो डिनोमिनेटर्स डिग्री, इन दोनों केसेस में आपको क्या करना है, सबसे पहले ए डिवीजन क्या करना है लॉन्ग डिवीजन करना है, इन दोनों केसेस में आपको सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि क्या करने हैं, इन दोनों केसेस में होगा लॉन्ग डिवीजन। अब लॉन्ग डिवीजन करके किस तरीके से लिखा जाएगा, इस फॉर्मेट में आपको लिखना है, जैसे मैं अभी क्वेश्चन आपके पास ले रहा हूँ जो आपको प्रॉपरली समझ लेना है, जो इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन है दैट विल बी सॉल्व बाय दैट मैटर लाइक दैट। अब देखो आपके पास जो मैं एक क्वेश्चन बताने जा रहा था कि अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इसकी डिग्री अगर सेम आ जाए, तो ऐसा क्वेश्चन अभी
अपने इसमें भी आ सकता है, इससे आगे वाली एक्सरसाइज में भी आ सकता है। अब देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि अगर आपके पास सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेपरेट कर दो दोनों को। एक तो कर दो x अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ये कर दो, या एक दूसरा बना दो प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। अब इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जो प्रॉपरली ध्यान रखना है आपको। वो मेथड क्या है कि जब आप डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन दिया गया है, अगर न्यूमरेटर उसका कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं है, तो आपको एक फॉर्मेट लिखना है कि न्यूमरेटर इक्वल कैपिटल ए डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कैपिटल बी। इस मेथड को यहाँ अप्लाई करना है। अब इसको अप्लाई करें तो न्यूमरेटर कितना है x प्लस 3, कैपिटल ए लिखेंगे, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, अगर पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x है तो डी बाई डी एक्स लिखना है, अगर इन टर्म ऑफ t हो तो डी बाई डी टी लिखना, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन लिख देना है प्लस कैपिटल b लिखना है। इस फॉर्मेट पे अब आपको वर्क करना है। तो वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 3 इक्वल कैपिटल A, इसका डिफरेंशिएशन करके लिख दो तो क्या आएगा 2x माइनस 2 आ जाएगा प्लस b। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट और राइट में दोनों साइड कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। एक तो x का कोफिशिएंट है यहाँ पर और एक कांस्टेंट टर्म से दोनों को इक्वेट कर देंगे। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, उधर x का कोफिशिएंट कौन है तो 2a है, और कोई x का कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ से a अपने पास आ गया 1/2। इसके बाद जो कांस्टेंट टर्म्स है इधर 3 है उधर आ जाएगा माइनस का 2a प्लस b आएगा, a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आ जाएगा माइनस 2 इंटू 1/2 प्लस b। यहाँ से आपके पास b कितना आ गया 4 आ गया, a और b आपने निकाल लिए। इस a और b को आपको कहाँ लिखना है, इस जगह लिखना है, चाहे इसको आप कोई इक्वेशन मार्किंग कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ a एंड b सब्स्टिट्यूट इंटू इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में अब आपको ये अप्लाई करना है। तो अपने पास x प्लस 3 की वैल्यू क्या आ गई, फिर वो आ गई कैपिटल A, A ये कितना है 1 अपॉन 2, फिर 2x माइनस 2 प्लस B कितना निकाला आपने 4, राइट हैंड। नाउ दिस इज द न्यूमरेटर ऑफ योर क्वेश्चन, सो सब्स्टिट्यूट और प्लेस इन द क्वेश्चन एज द पोजीशन ऑफ न्यूमरेटर। नाउ द क्वेश्चन विल बी, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट 2x माइनस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ये पहले स्टूडेंट से प्रॉपरली ध्यान रखना है, कब करना है, जब कि जो न्यूमरेटर में दिया गया फंक्शन अगर इस डिनोमिनेटर का कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं है, उस केस में आपको इस सिस्टम को अप्लाई करना है, और अगर डेरिवेटिव है तो डायरेक्टली इंटीग्रेट करके आप सिंप्लीफाइड कर देंगे। अब क्या करना है, सेपरेशन करना है आपको, 1/2 इंटीग्रेशन 2x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx, राइट है। इस वाले में इसको i1 नाम दे दें, इसको i2 नाम दे दें, आप चाहे इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके लेके आ सकते हैं, और यहाँ पर i1 की जगह इंटीग्रेशन फर्स्ट प्लेस कर देंगे, i2 की जगह इंटीग्रेशन सेकंड प्लेस कर देंगे। i1 में आपको डिनोमिनेटर को t लेट करना है, इसमें डिनोमिनेटर जो है उसको लेट करना है, दैट इज t, और इसमें कंप्लीट स्क्वायरिंग लगा के सॉल्व करना है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो आप होप दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व बाय यू इन ए प्रॉपर मैनर एंड फाइनली कंक्लूड व्हाट आंसर यू विल गेट। तो दिस 7.4 एक्सरसाइज आई थिंक ऑल क्वेश्चन विल बी यू आर नाउ एबल टू सॉल्व बाय द गिवन मेथड्स एंड गिवन आइडेंटिटीज, एंड नाउ यू शुड ट्राई एंड सॉल्व इन योर कॉपीज प्रॉपरली। नाउ होप दैट दिस वीडियो विल बी लाइक यू एंड होप एक्सपेक्ट दैट यू वुड लाइक टू शेयर टू योर फ्रेंड्स एज वेल एज your relatives. Now subscribe it. It's very much. Thank you very much.